पर जब चुनाव आते हैं तो अनेकों लोग इस चुनाव को जीतने के लिए, नेता बनने के लिए, सांसद और विधायक बनने के लिए बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, राइट? अब सब जीतते हैं क्या? कौन जीतता है? कोई एक। अब वो जीतता कौन है, कभी सोचा आपने? जीतता कौन है? कोई है जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है। हाँ, वोट प्राप्त कैसे करता है? बाहुबल पर, धन बल पर, या अपने व्यक्तित्व पर? ये सोचने का विषय है। हम वोट देने तो जाते हैं, लेकिन हम देते किसको हैं? ये हमारा चाचा है, ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारी भूमि है। भाई मेल और फीमेल दोनों होते थे या जेंट्स ही होते हैं? महिला भी होती क्या? होती है, है? तो भूमि और रूपा नहीं होती, मम्मी भी होती है, है? लेकिन इनमें हमें चुनाव किसका करना चाहिए ये सोच लेगा। अभी आप क्या कहते हैं, हमें शिक्षा सही मिलनी चाहिए, हमारी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, ये कहते नहीं कहते? भाई किताबों के रेट बहुत महंगे हो गए हैं, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता, सस्ती किताब होनी चाहिए, दवाई गोली बहुत महंगी हो गई है, उपचार बहुत महंगा हो गया है, सस्ता मिलना चाहिए, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलनी चाहिए, ये सब सोचते हैं या नहीं? सोचते हैं या नहीं? जोर से बोलो। तो कौन देगा ये सारी चीज? समान शिक्षा कौन करेगा, चाहे राजा का हो, चाहे फकीर का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एक समान, एक जैसी किताब पढ़े, सभी जगह एक जैसी किताब पढ़ाई जानी, शिक्षा समान होनी चाहिए। जब पेपर आएगा सबके लिए, अब एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, सरकारी है, और एक के माता पिता के पास इतना धन है कि चार चार ट्यूटर रखे हुए हैं, तो सेलेक्ट कौन होगा भाई? कौन होगा सेलेक्ट? क्या सरकारी स्कूल का बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कौन होगा? जो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा है जिसके चार चार ट्यूटर लगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमारी काबिलियत को आंकने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? समान शिक्षा। क्या होना चाहिए? समान शिक्षा। दूसरा क्या है? चिकित्सा। चिकित्सा जब फ्री होगी, किसी को भी खांसी जुकाम बुखार हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को बाईपास सर्जरी होनी है, किसी को कैंसर हो गया, मिस्टर प्रेसिडेंट, यदि फ्री चिकित्सा है तो उसको बचाया जा सकता है। और पैसे से क्या है कि हम गरीब आदमी नौकरी में रहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि नेता हमें कैसा चुनना है, जो हमारी शिक्षा पर काम करे, जो हमारी सभ्यता पर काम करे, जो हमारी चिकित्सा पर काम करे, जो पढ़ा लिखा हो, जो संविधान का ज्ञान रखता हो, जो समाज में समाज सेवी हो, जो सभी सभी के सुख दुख में साथ देता हो, ऐसे आदमी को हमें चुन करके सदन में भेजना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हम देते कैसे भाई? हम चुन करके इसको भेजते हैं, जो हमारे चाचा ताऊ दादा दादी उनको दारू पिलाते हैं, एक
दो दो महीने का स्टॉक हमारे घरों में दारू का आ जाता है और वो खुशी से दारू पीते हैं। तो आप सब यूथ हो ना, आपको मना करना चाहिए कि पापा दारू लेकर के नहीं आनी है, लेके आनी है नहीं। और वो दारू पी करके आपकी मम्मी को मारते हैं तो फिर क्या करना चाहिए आपको, कैसा लगेगा भाई? ये नेता तो आज ही हमारे घर में क्या कर रहा है, आज ही झगड़ा हो रहा है इस नेता की वजह से। तो जो दारू के दबाव में प्रभाव में डरा करके धमका करके तूने मुझे वोट नहीं दी तो देख लेना, तूने मुझे वोट नहीं दी थी इसलिए तेरी गली नहीं बनेगी, तूने मुझे वोट नहीं दी थी इसलिए ट्यूबलाइट नहीं लगेगी, ऐसा जो भेदभाव करते थे नेता, उन नेताओं को कभी वोट नहीं डालनी चाहिए। और इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? तुमसे अच्छा प्रचार प्रसार कोई नहीं कर सकता क्योंकि तुम अभी 18 साल के नहीं हो। और कलयुग में कौन ढूंढता है? तुम लोग ही ढूंढो जिंदा लेकर के, डंडा लेकर के, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे कौन लगाता है? कोई भी आ जाए तो भीड़ का सर कौन बनते हो? दो डंडो मिल जाएंगे खाने के लिए, साग पूड़ी मिल जाएगी, हलवा मिल जाएगा, बस उसी में तुम उस आदमी के नारे लगाने शुरू। क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है, जिसको तुम जानते नहीं पहचानते नहीं उसकी भीड़ में जाकर के और तुम नारे लगा रहे हो, लगाने चाहिए? जिसको तुम जानते हो, सर को जानते हो, सर ने किसी के लिए कहा तो आपको नारे लगाने चाहिए, सर के साथ चलना चाहिए, तुम सर को जानते हो, सर के काबिल से परिचित हो। जिसको हमने बरता नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, उसके बारे में हमें क्या नारे लगाने हैं? ठीक है, तो वोट किसको देनी है हमें? जो विकास के काम करे। हैं? विकास किसका होता है? पक्के कंधे होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, या रोजाना जो मर्डर हो रहे हैं ऐसे होना चाहिए, या जो रोजाना रेप हो रहे हैं ऐसे होना चाहिए, जो जिस में जहां पर भी आप वोट डालने की बात करते हो इसका ध्यान रखो। कौन है इसका, कौन अच्छा आदमी है, कौन पढ़ा लिखा आदमी है, किसका चरित्र ठीक है, कौन हमारे क्षेत्र का है, किसको हम वोट दें ताकि हमारा विकास हो सके, हमारे देश का विकास हो सके, हमारे जनहित और राष्ट्रहित में काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुन करके हमने संसद में या विधानसभा में भेजना चाहिए। क्लियर है? किसको भेजना चाहिए? क्लियर है?